हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 7 मिनट ट्रिक्स। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। सभी लोगों को आज बता दें कि आज हम लोग काउंटिंग ऑफ सर्कल एंड लाइन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि नया बैच जो है एसएससी कैटेगरी में लागू हो चुका है, आ चुका है 11 बजे से। आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ये सारा फायदा आपको वहाँ पर मिलने वाला है, डाउट वगैरह क्लियर होने वाला है, ठीक है? तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना? आप ये सब कुछ वहाँ पर पा सकते हैं रेफरल कोड Hitesh10 के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा फ्री सेशन है वो आप जरूर देखा करें, यूट्यूब पर ये दोनों सेशन और अन अकेडमी पर ये दोनों सेशन, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इसके अलावा आपको बता दें तो यहाँ पर आपका जो NTPC का है रेलवे कैटेगरी में, ये नया बैच हम लेके आ रहे हैं जो 11 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा। Hitesh10 लगाकर अभी के अभी इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है? काउंटिंग ऑफ सर्कल बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें बच्चे डरते हैं, इसमें बच्चे परेशान होते हैं। कैसे करेंगे इसको हम लोग, ये हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है डियर फ्रेंड्स कि इसमें वृत्त कितने हैं। तो देखो देखो, 1, 2, 3, 3 बाहर है बड़ा वाला, और 1, 2 और 3, 3 अंदर है छोटा वाला, तो टोटल 6 हो गए। आसान है बिल्कुल, डरने की कोई बात ही नहीं है। इसको देखिए जरा सा, ये और भी आसान है। कैसे? देखो, 3 तो इसमें दिख रहा है हमें, 1, 2, 3, 3 हमें इसमें दिख रहे हैं। इसमें देखोगे अगर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8, 3, 11, 3, 14, टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। आसान है, देखो 30 सेकंड भी नहीं लगा है और अपना आंसर जो है वो आ गया। 30 सेकंड भी नहीं लगा है और अपना आंसर जो है आ गया। इसमें अगर मान लीजिए कोई बोले आपको कि कितने हैं, तो आसान है बिल्कुल, ये कितने हैं तो ये भी आसान है। कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले तो आप गौर करिएगा, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, टोटल कितने हो गए भाई? 8। इसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5 और एक बड़ा वाला 6, तो आप क्या देख रहे हो, 8 मतलब ऐसे छोटे छोटे थे, फिर 5 वो वाले और एक बड़े वाले, तो टोटल कितने के बराबर हो गया? 14। ध्यान दो कि अभी तक कितना टाइम लगा, एकदम आसान है। पहला क्वेश्चन आपने देखा 6 था, दूसरा आपने देखा 14 था, तीसरा आप देख रहे हो 14 है, चौथा देखते हैं। इसमें लाइन काउंट करना है, लाइन वाले में बारीकी से ध्यान रखिएगा, पहले वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ये इस तरह से और फिर ये इस तरह से, ऐसे हम लोगों को आंसर लाना है। तो देखो 30 सेकंड लगता है कि ज़्यादा लगता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 और 5, 5 जो है यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, निकल आ रहा है, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो हॉरिजॉन्टल में कितने हो जाएंगे भाई साहब, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो 5 हॉरिजॉन्टल भी निकल गए, 5 हॉरिजॉन्टल भी निकल गए, तो कितने हो गए, 10, है ना? इसके अलावा टिल्ट वाला देखते हैं अब कितने हो जाएंगे, तो 1 ये वाला है, ठीक है ना, सिंपल वाला 1 है तो 1 यहाँ से आ गया, और 2 टेढ़ा वाला है तो यहाँ पर 2 लिख दो, ये वाला 5, 5, 10, 2, 12, 1, 13, 13 आपका राइट आंसर है, 13 आपका राइट आंसर है। अगले में आइए, इसको अगर देखेंगे इसमें कितने स्ट्रेट लाइन है ये पूछा गया, आसानी है बिल्कुल, आसान तरीके से देखिए, ये मान लीजिए ऐसे है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, यही तो करना है। देखते हैं इसमें भाई, देखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इस तरह के कितने निकल जा रहे हैं, 6, और कोई छूटा क्या, और कोई छूटा क्या, ये 7 छूट गया हमारा, और कौन सा छूट गया है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अच्छा ये वाला भी छूट गया, 1, 8 हो गया, तो टोटल हमारे जो हैं 8 हो गए। अगर हम मतलब ये, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल हमने देखा था ना, ये हॉरिजॉन्टल देखा था, ये कौन सा देखा था हमने, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की अगर हम बात करें, वर्टिकल की अगर हम बात करें तो कितने हैं, तो वर्टिकल में देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, और ये तो काउंट हो चुका है, ये 6, बात समझ रहे हो? दोबारा दिखा देते हैं एक बार, जो वर्टिकल वाला है दोबारा दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला चूंकि ऊपर से काउंट हो चुका है इसलिए दोबारा नहीं लेंगे, तो 6 अगर वो है तो ये 6 हो गया। इस तरह से कितने हैं, तो 1, और इस तरह से कितने हैं, तो 1 है, तो 8, 6, 14, 2, 16, तो 16 आपका राइट आंसर है, 16 आपका राइट आंसर है, क्लियर डियर? इसको देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये देखने वाली बात होगी, गौर से देखो। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो,
इस तरह इस तरह और इस तरह से आंसर आएगा। तो हम भाई काउंट करते हैं इसको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो वर्टिकल अगर हम देखें तो 6 हो गए, हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो कितने हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी ये 6 है तो 6 इसको भी लिख दिया। इस तरह से कितने हैं तो 1 2 दिख रहे हैं हमें, और इस तरह से कितने हैं तो 1 और 2 दिख रहे हैं हमें, 6 6 12 2 14 2 16। तो 16 आपका राइट आंसर हो गया, 16 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो अभी तक क्या देख रहे हैं हम, दोबारा पहला का 6, दूसरा 14, तीसरा 13, पहला 6, दूसरा 14, तीसरा 14, चौथा 13, पांचवा जो है वो 16 और छठा जो है 16। ये वाला क्वेश्चन फिर आप करेंगे, हम जानते ही हैं आप लोग, हम होमवर्क देते हैं आपको, ये वाला आप लोग करना घर में और बताना कितने हैं। एक ऑप्शन में और दे देता हूं इसमें 20, ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाए, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरा फ्री सेशन आप देख ही रहे हो, इस तरह से आप हमारा फ्री सेशन एंजॉय करिएगा। और YouTube पर ये दोनों, अनअकैडमी पर ये दोनों, और अनअकैडमी पर 2/15 पर भी स्टार्ट किए हैं रेलवे कैटेगरी में। इसके अलावा नया बैच हमारा रीजनिंग का आ चुका है, अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं रीजनिंग का बैच तो ज्वाइन कर लें। ये सारा फायदा आपको डियर फ्रेंड्स वहां पर मिलने वाला है, डाउट वगैरह सब हमारे रेफरल कोड के साथ। जो बच्चे अभी तक हमें फॉलो नहीं किए हैं प्लीज हमें फॉलो कर लें, हितेश मिश्रा मेरा नाम है, फॉलो जरूर कर लें। इसके अलावा आपको ये बता दें कि कैसे जुड़ेंगे, सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करें, गोल एसएससी या रेलवे सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें। एसएससी का 12 महीने का जो फी है वो 5400 और रेलवे का जो 24 महीने का फीस है वो 6480 रुपया है हितेश वाटी के साथ। इसके अलावा रेलवे में जो 6 महीने का फी है वो 3600 है और 12 महीने का जो फी है वो 4500 रुपया हितेश वाटी के साथ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम UPI, EMI इज ऑल्सो अवेलेबल, मंथली पेमेंट भी अवेलेबल है हितेश वाटी के साथ। और ये सारा फायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है, सारा फायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है हमारा रेफरल कोड अगर आप लगाते हैं तो। ये प्रोसेस है, इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है डियर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमें अनअकैडमी पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।